हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबाज आपके साथ शिवराज का यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो गूगल पे आप शिवराज डालेंगे तो आपका ये आपका लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप शिवराज की वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। विजिट करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके एडमिशन सेक्शन में ये आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी स्क्रॉल हो रही है। इसके साथ ये बेसिस ऑफ फी डिपॉजिट है, यानी कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी की गई है, राइट। इसके साथ साथ शिवराज ने एडमिशन और काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पर पोर्टल दिया हुआ है। जो आपके सभी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके कुछ ये आपका शो हो रहा है। देखिए, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फी डिपॉजिट इन वेरियस कोर्सेज। तो ये आपके अलग अलग कोर्सेज दिए हुए हैं। इंटीग्रेटेड MSc 5 ईयर का प्रोग्राम है जिसकी मेरिट लिस्ट आपकी अगर क्लिक करेंगे, सपोज कीजिए हम एनवायरमेंट साइंस पे क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पर एनवायरमेंट साइंस की आपकी मेरिट लिस्ट दिख जाएगी। आपकी यहाँ पर जो भी जिसका भी नाम होगा वो आप चेक कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से ये टोटल मार्क्स जिसने भी आपका यहाँ पर रजिस्टर किया है MSc एनवायरमेंट साइंस के लिए वो आपका यहाँ पर नेम शो हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी आपकी काउंसलिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा, राइट। इस तरीके से आपके 2 ईयर PG इंटीग्रेटेड MSc BEd आपके कोर्सेज के लिए भी दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल करके मैं दिखा भी रहा हूँ। तो इस शिवराज की वेबसाइट पर विजिट करके सभी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम भी देख सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई और आपको अच्छी लगी होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है, नोटिफिकेशन अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। इसके साथ साथ आपको लाइव में सभी चीज़ें आपको शो भी कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।